बारिश के मौसम में जहां एक तरफ आमजन को जल प्रलय का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जल संस्थान की बढ़ती लापरवाहियों का भी आमजन को सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में बारिश के मौसम में जल संस्थान ने पाइपलाइन डालने का काम शुरू कर दिया है, जिसके कारण लोगों को यातायात से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामला खटीमा का है, जहां आमजन को जल संस्थान की ओर से की गई लापरवाही से भुगतना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 6 गोटियों की सड़क पर बरसात के मौसम से खुदाई करके पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है, और ऐसे मौसम में खुदाई करके उनको खुला ही छोड़ दिया गया है, जिसके कारण आए दिनों वाहनों के बीच टक्कर होती रहती है। इस समस्या के समाधान हेतु वार्ड वासियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्या का निदान किए जाने की प्रार्थना की थी, जिस पर उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने संबंधित विभागीय अधिकारी को निर्देशित करते हुए मार्ग की मरम्मत का कार्य समय पर करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उप जिलाधिकारी ने कहा कि अगर संस्थान समय रहते अपनी भूल को नहीं सुधारता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक महीने पहले खोद दिया रोड, और अभी तक ना तो उसमें पैप पड़ा है ना इसकी कोई देख रेख है। नमाज पढ़ने लोग जाते, दिक्कत हो, गाड़ियों में जाम लग रहा है यहाँ पे बहुत। अरे रोज मोटरसाइकिल टकरा जाती है। अरे कई दिन हो गए, 10 दिन पहले, अरे परेशानी हो रही है निकलने वालों को, देखिए इनका कहना ये है कि अभी फिलहाल क्योंकि लाइन की टेस्टिंग नहीं हुई है, क्योंकि वो लीकेज वगैरह चेक करते हैं, क्योंकि अगर लाइन की टेस्टिंग ना हो और उन्होंने वैसे उसको फिर समतल कर दिया तो फिर दोबारा खोलने की नौबत आ सकती है। लिहाजा क्योंकि इनके वर्क जो इनके द्वारा किया जा रहा है काफी लेट किया जा रहा है, इसको दुरुस्त करने के लिए समय पर तरीके से करने के लिए जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा भी इनको निर्देशित कर दिया गया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।